अब हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव ऑफ मॉरल्स। मॉरल्स मैंने एक्टिव सीख लिया था, अब हम सीखेंगे उनका पैसिव कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मॉरल्स जो वर्ड हैं, जो मॉरल्स होते हैं, मॉरल्स खुद में वर्ब हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरीके की होती हैं, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है लाइक हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ में वर्ब होगी, उस वर्ब को सपोर्ट करने के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाए। एक वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, और एक मॉडल वर्ब जो आएगा तो वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा। दैट्स व्हाई सारे मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहे जा सकते हैं। हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बात करूंगा मैं एक्टिव में, जब हम बात करेंगे इसमें मॉडल्स में, एंड आई हैव टोल्ड यू मॉडल्स क्या करते हैं। मॉडल्स जो है वो मूड वर्ड से ड्राइव करे गए हैं, ये जो है पार्ट ऑफ वर्ब होता है, और इसे क्या करता है, ये जो है इसका फंक्शन होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है मूड ऑफ वर्ब को, कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं कहूं कि आना, आना आना कैन कम, आ सकता है, उसकी उसकी ताकत है आने की। मे कम, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, शायद आ सकता है। शुड कम, मेरी एडवाइस है उसके लिए कि उसे आना चाहिए। मस्ट कम, मैंने जो है अब हथियार लगा दिया उसके जहन पे, मैंने अब आना चाहिए उसे जरूर, पक्का कर दिया मैंने। Have to come, और ज्यादा पक्का कर दिया। Must come, ought to come, धर्म के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए उसे आना चाहिए। Used to come, वो आया, करता था। हम ये क्या है, ये past habit हो गए। तो हम जब भी इस तरह की बातें करते हैं तो मॉडल्स क्या करते हैं, बार बार अलग अलग मॉडल हर वर्ग का मूड चेंज कर देते हैं। हमें लगता है यहाँ पर जो ना डिफरेंट काइंड ऑफ बात हो रही है। जी सर। वो खेलना, खेलना एक नॉर्मल सा वर्ब है, यू कैन प्ले, तुम्हें ताकत है खेलने की। यू मे प्ले, आई एम नॉट श्योर कि तुम खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे। यू शुड प्ले, ये मेरी एडवाइस है तुम्हारे लिए, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तुम्हें, खेलना चाहिए। यू मस्ट प्ले, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, खेलना तो एक नॉर्मल वर्ब था ना, लेकिन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं वर्ब का मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉडल्स के हिसाब से वो बदलता जा रहा है। तो हमारा मॉडल्स का काम होता है ये काम करना, लेकिन हम सीख रहे हैं अभी क्या, मॉडल्स का एक्टिव एंड पैसिव। मॉडल्स का सीखेंगे हम क्या, उनका एक्टिव बनाना और उनका पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सही, सबसे पहले मैंने यहां पर ये मॉडल्स मैंने हेरिटरी और फिर मैंने लिखा एक्टिव एंड पैसिव। और हम पहले से क्या जानते हैं बेटा, हम पहले से एक बात जानते हैं कि आपने कोई भी मॉडल्स लिखा, मॉडल्स लिखने के बाद में आपने उससे पहले लिखा है सब्जेक्ट और उसके बाद लिखा है क्या, ऑब्जेक्ट। मॉडल्स के साथ क्या लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, शुरू में आ जाएगा। सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, बाय के बाद लास्ट में चला जाएगा। जो भी मॉडल्स है वो मॉडल्स भी लिखोगे और उसके साथ में भी लिखकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। ये मैंने बताया आपको किसके लिए, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा ना। अब बेटा देखिए, यहां पर हम एक्टिव में क्या करते हैं, मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। याद रखें, क्या करते हैं हम, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम इधर क्या लिखते हैं, मॉडल्स लिखते हैं, मॉडल्स के साथ हम बी लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में हमेशा मॉडल्स लिखेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ब, मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज में सिखा चुका हूं, मैंने यहां भी बता दिया कि इधर का सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा पैसे के, और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन हम यहां पर सीखेंगे क्या, कि जो एक्टिव और पैसिव है ना बेटा, यहां पर ये एक्टिव और ये एक्टिव से मैं क्या बना रहा हूं, पैसिव बना रहा हूं। हमने क्या करना है कि एक्टिव में हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, लेकिन जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे पैसिव, तो मॉडल्स के बाद बी आना है, फिर थर्ड फॉर्म आना। अच्छा, फिर आया, अच्छा मॉडल्स का कभी कभी हम टेंस चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, टेंस बदलते हैं, और मॉडल्स के साथ में आप हैव लिख दो, और हैव के साथ में क्या लिखो, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मॉडल्स का टेंस बदल गया। आप बताइए एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कैन, कैन फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, कैन हैव थर्ड फॉर्म पास्ट हो गया। शुड फर्स्ट फॉर्म ना चाहिए, ये प्रेजेंट है, और शुड बी, शुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा काम करना चाहिए था, पास्ट हो गया। तो हम टेंस बदल देते हैं, और ये जो बदलते हैं ना, जो हैव लगा के आता है जो चीज, वो इमेजिनरी सिचुएशन होती है। कैसी सिचुएशन,
तुम्हें वहां जाना चाहिए था, अरे भैया काम निकल गया, मैं गया भी नहीं, क्योंकि आप बोलने की जरूरत है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, नहीं गया ना मैं वहां, तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है। फिर मॉडल्स में आया, इस पर मॉडल्स के अंदर पैसे बनाएंगे इस सिचुएशन में, तो मॉडल्स भी लिखेंगे हम और उसके साथ में हैव भी लगाएंगे, और अब एक और चीज लगाएंगे, बीन और फिट फर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? बीन और फिट फर्ड, राइट। आपको जब भी आपको लगे कि आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है मॉडल के अंदर, क्या लिखा हुआ है? टू और फर्स्ट फॉर्म है, नीड टू फर्स्ट, डेड टू फर्स्ट, यूज टू फर्स्ट, कोई भी टू फर्स्ट है, आप उसका पैसे बनाएंगे तो क्या कर देंगे? टू बी थर्ड। क्या करेंगे? टू बी थर्ड। हमने क्या सीखा है यहां पर? हमने सीखा कि एक्टिव में ये रूल लगते हैं, पैसे में ये रूल लगते हैं, सबसे पहले चीज। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, दैट्स द नो, राइट। अब आया जैसे मैंने कहा कि ही कैन डिफीट यू, बताओ ही कैन डिफीट यू। अब क्या होगा ही कैन डिफीट यू का? ही कैन डिफीट यू का होगा कि मैं इसको क्या करूंगा, इसमें पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है यू, यू को मैं शुरू मिला हुआ, क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ क्या आएगा? कैन, बी, और डिफीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिफीटेड, और बाय, बाय हिम, बाय हिम, राइट, करेक्ट ना? हमने सीखा, अब हम सीखेंगे देखो कौन कौन से मॉडल्स हम जानते हैं और उनका कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या किया, देखो ये एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, आई एम टेलिंग यू विद हिंदी एंड इंग्लिश, हम बताएंगे। सबसे पहले हमने बात की किसकी? पहला सत्ता है, क्या बोला मैंने? सत्ता है। हाउस ऑफ रेड कलर, रेड कलर में कैसा अपीयरेंस है? सही, अच्छा सत्ता है बोला मैंने, और सत्ता है ना पैसिव क्या होगा बेटा? याद आ सकता है, सत्ता है ना क्या होगा? पैसिव होगा, याद आ सकता है, सही ना? आप इसमें दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जतिन पहले कौन सी? कैन फर्स्ट, और दूसरी कौन सी? मे फर्स्ट। कैन फर्स्ट आपको जब भी पावर की बात करनी, और यहां पर आपको जब भी पॉसिबिलिटी की बात करनी, राइट? यस सर। एंड बोथ सिचुएशन वी डू दैट सेपरेटली। इनका जब पैसिव बनाओगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा? याद आ सकता है। yes, sir. और कैन का फर्स्ट का, कैन का पैसिव क्या होगा? कैन बी हर्ड, और मे बी हर्ड। आर यू श्योर? यस सर। अगेन वी कम ऑन सत्ता है, मैंने कहा सत्ता था, क्या बेटा? सत्ता था, और सत्ता था को मैं सत्ता भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? सत्ता। और इसका पैसिव क्या होगा बेटा? याद आ सकता, क्या होगा? याद आ सकता था, या जा सका। श्योर बच्चों? याद आ सकता। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहां पे करेंगे कि हमें लगाना होगा, हम यहां पे लगाएंगे कुड फर्स्ट, क्या लगाया? कुड फर्स्ट। अच्छा एक और चीज लगा सकते हैं, कुड हैव थर्ड, क्या लगा सकते हैं? कुड हैव थर्ड। एक और चीज लगा सकते हैं, कैन हैव थर्ड, क्या? कैन हैव थर्ड। दोनों सिचुएशन क्या है, हमने हैव लगा के बनाई, तो ये दोनों सिचुएशन कैसे हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि तुम बदल सकते थे सिचुएशन को, यू कुड विद चेंज द सिचुएशन, आपने कोशिश की, आप एन मौके पे जाकर हार गए, नहीं बदल पाए। लेकिन मैं ये कहूंगा यू कुड हैव चेंज द सिचुएशन, या यू कैन हैव चेंज द सिचुएशन, इसका मतलब क्या कि ये बातें मेरी इमेजिनरी है, आपने कोशिश की ही नहीं थी, तो आप कैसे बदल सकते थे? तो यहां पर दोनों में फर्क है, लेकिन मीनिंग में यही रहेगा। आप पैसे बनाएंगे बेटा, कुड फर्स्ट फॉर्म का पैसे क्या होगा? कुड बी थर्ड फॉर्म। हैव वाले का पैसे कैसे बनेगा? कुड हैव बीन थर्ड, और किसका? और जो इसका कैन हैव थर्ड का कैसे बनेगा? कैन हैव बीन थर्ड। श्योर? ओके ना, कैन हैव इट्स अ सिंपल एग्जांपल, यू कैन डू दैट, यू कैन हैव, यू कैन हैव चेक इट, तुम इसे चेक कर सकते थे बट तुमने ट्राई नहीं किया, तुमने नहीं किया। यू कैन हैव स्टॉप इट, तुम बदल सकते थे लेकिन यू कैन हैव स्टॉप रोक सकते थे, तुमने कोशिश नहीं की रोकने की। यू कैन हैव क्रैक द एग्जाम, तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, एक बंदे ने बहुत मेहनत की लेकिन क्रैक नहीं कर पाया, तो ये गुड है, ये कैन गुड, लेकिन एक बंदे ने मेहनत ही नहीं की तो कैसे कर सकता था? ये कैन हैव ए गुड है, राइट।
अच्छा अब हम इसके बाद आए कौन सा एक्टिव में, मैंने कहा क्या लगेगा बेटा, ना चाहिए, क्या लगेगा, ऐसा काम करना चाहिए। आप इसका पैसिव बता, पैसिव क्या होगा, या जाना, क्या होगा, या जाना चाहिए। इसमें भी आपके पास कितनी चीजें हैं, तीन, आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो किसका, वेरी गुड, शुड फर्स्ट फॉर्म, शुड फर्स्ट फॉर्म का दूसरा बोलो, मस्ट फर्स्ट फॉर्म का तीसरा, ought to first form, that's nice, ought to first form, ought to first form, आपने देखा है, आप should first form, must first form, ought to first form, should first form का मतलब क्या हुआ, normal सी बात होगी, normal advice होगी, कैसी advice होगी, normal, आप उसके लिए पैसे बनाओगे, तो should का क्या बनेगा बेटा, should be third, must का क्या बनेगा, must be third, और इसका क्या बनेगा, ought to be third, क्या बनेगा, ought to be third, अगेन आ जाए, अगर हम यहां पे बात करते हैं किसकी, ना चाहिए हो गया, सकता है हो गया, सकता था हो गया, एंड ना चाहिए था, अभी मैंने आपको बताया था ना चाहिए था, पैसे होगा या जाना चाहिए था, या जाना चाहिए था, आप दोनों में देखें बेटा, चाहिए ना चाहिए था, ऐसा काम करना ना चाहिए था, या ऐसा काम किया जाना चाहिए था, आप दोनों सिचुएशन में देखें बेटा, आप ना चाहिए था किससे बनाओगे, ना चाहिए से, और ना चाहिए क्या, एक नॉर्मल एडवाइस है, क्या लगाओगे, शुड, यहां पे क्या होगा बेटा, शुड, और शुड के साथ क्या आएगा, शुड फर्स्ट, लेकिन आप क्या करो, ना चाहिए था, अब आप इससे अलग हो, कहां गया, इससे अलग बना रहे हो, तो क्या होगा, शुड हैव थर्ड, इसका पैसिव क्या होगा, शुड हैव बीन थर्ड, नाइस वर्ड, शुड हैव बीन थर्ड। अच्छा अब बताया इसका, मैंने बताया था ना सिचुएशन एक ऐसी है, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नॉर्मल सिचुएशन, ऐसा ट्रुथ, बट इफ आई से तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए था, अरे हो गया, निकल गया, और कैसे करना चाहिए था, वो इमेजिनरी सिचुएशन है, यहाँ पे क्या हुआ, ना चाहिए था, यहाँ पे मैंने कहा नहीं की जरूरत है, ऐसा काम करने की जरूरत है, या जाने की जरूरत है, या जाने की जरूरत है, आप क्या करेंगे इसमें बेटा, आप इसमें जाएंगे नीड, और नीड के साथ आएगा टू फर्स्ट फॉर्म, उसका पैसिव क्या होगा, नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म, नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा बेटा, देखो सॉरी मैं इसका नेगेटिव लिख दिया, मैं इसका नेगेटिव मैं पूछना चाह रहा था कि आपको इसका नेगेटिव खुद से बताना है क्या होगा, और मैंने पहले लिख दिया। अच्छा क्या होगा बेटा इसमें, नीड टू लगाया ना इसमें, अब मैंने पैसे में क्या बता रहा, जब भी आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो पैसे क्या करोगे, टू बी थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया, नीड टू बी थर्ड फॉर्म, राइट। ऐसे अगला जो है क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ पे देखे बेटा, मैंने यहाँ पे कहा नेक की हिम्मत है, क्या बोला, नेक की हिम्मत है, बता पैसे क्या होगा, ऐसा काम किया जाने की हिम्मत है, किया जाने की हिम्मत है बेटा, तो इसमें बताओ क्या होगा, डेयर टू फर्स्ट, क्या होगा, डेयर टू फर्स्ट, और इसमें क्या होगा, डेयर टू बी थर्ड, ऐसा डेयर, डेयर टू बी थर्ड, फिर आगे बेटा क्या, और क्या हो सकता है, नेकी जरूरत है हो गया, नेकी हिम्मत है हो गया, और इसमें हो सकता है बेटा, देखो या करता था बेटा, ये है पास्ट हैबिट, क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर, पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा हूं, आप बेटा पास्ट हैबिट को जब भी बोलोगे तो उसमें पैसिव होगा या जाया करता था, ऐसा काम किया करता था, ये ऐसा काम किया जाया करता था, आप यहाँ पे लगाओगे बेटा यूज टू फर्स्ट फॉर्म, क्या है, यूज टू फर्स्ट फॉर्म, या दूसरे आप यहाँ पे एक और लगा सकते हो वुड फर्स्ट फॉर्म, यूज टू फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या होगा बेटा, यूज टू बी थर्ड फॉर्म, या इसका होगा वुड बी थर्ड फॉर्म, राइट। दिस इज, इसके अलावा जो है हम कर सकते हैं इसमें, ऐसा काम करना चाहेगा, वो चाहेगा, वो प्यार करेगा इस काम को करने को, वो ऐसा काम करना चाहेगा, इसका पैसिव होगा कि ऐसा काम किया जाना चाहेगा,
ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन सही। चाहे बताइए बेटा इसमें क्या लगाओगे आप? इधर लगाओगे वुड लाइक टू फर्स्ट, क्या लगेगा? वुड लाइक टू फर्स्ट। इधर क्या होगा? वुड लाइक टू बी थर्ड, वुड लाइक टू बी थर्ड। अगेन इसमें आ जाओ बेटा। अब देखो कुछ चीजें हैं जो हम सीखेंगे, देखो शायद या अवश्य, ट्रांसलेशन के हिसाब से सुने। शायद और अवश्य जो है जब फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करते हैं तो वो माइट और मस्ट से बनते हैं, माइट से या मस्ट। तो शायद होगा, इसका पैसिव तो बन ही नहीं सकता, इसमें वर्ब नहीं है। अच्छा शायद रहा होगा बेटा, किसी भी रहा होगा का पैसे नहीं बनता है। शायद चुका होगा, शायद चुका होगा या होगा, या शायद ने को होगा, या शायद ऐसा काम करना पड़ेगा, राइट बेटा? इसी बात में मैं पैसे बनाऊंगा तो क्या होगा? शायद या अवश्य। ये ट्रांसलेशन एंड ग्रामर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये रूल बनाया नहीं गया कभी। ये बेटा इसका पैसिव नहीं बनता है, रहा होगा का पैसिव नहीं बनता है, चुका होगा का पैसिव बनता है, या जा चुका होगा। क्या होगा बेटा? या जा चुका होगा, या दूसरा या गया होगा, राइट बेटा? चुका होगा का पैसिव क्या बनाया? या जा चुका होगा, या होगा का पैसे बनाया, या गया होगा, और दूसरा ऐसा काम करने को होगा, या ऐसा काम या जाना पड़ेगा, ऐसा काम या जाना होगा या जाना पड़ेगा, राइट बेटा? अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, जब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा तो बेटा देखो, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं? शायद के लिए माइट और अवश्य के लिए लगाते हैं मस्ट, करेक्ट? यस सर। प्लस इसके साथ क्या लगेगा? तो वो माइट या अवश्य, माइट या माइट, जो माइट किसके लिए लगा? माइट लगा किसके लिए? माइट लगा शायद के लिए, अवश्य के लिए क्या लगेगा? मस्ट। बताओ शायद घर पर होगा या अवश्य घर पर होगा, तो क्या लगाओ तुमने? बी। बताइए वो शायद घर पर होगा, ही माइट बी होम, वो शायद घर अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी होगा। फिर कहा देखो यहां पर रहा होगा तो क्या लगाओगे? बी के साथ में कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। चुका होगा क्या लगाओगे? हैव के साथ में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहां पर क्या आएगा? माइट हैव मस्ट हैव, और यहां पर आएगा माइट हैव टू या मस्ट हैव टू फर्स्ट। क्या है बेटा? माइट हैव टू या मस्ट हैव टू, उसे अवश्य जाना पड़ेगा, उसे अवश्य जाना पड़ेगा, ही मस्ट हैव टू गो, उसे शायद जाना पड़ेगा, He might have to go. शायद मुझे शायद बी। हाँ बेटा सर, he might be have to go ना, might have सिर्फ, बी नहीं आया, this is plus। मतलब वो अवश्य अपना काम खत्म कर चुका होगा, he must have completed his work या finished his work, या he might have finished his work, right? फिर हम आए इसमें, किसमें देखो बेटा, इधर क्या आएगा? इसमें इसके लिए क्या आना चाहिए? अब शायद के लिए क्या आना चाहिए? माइट। अवश्य के लिए क्या आना चाहिए? मस्ट। बता बेटा इसका पैसिव नहीं बना, इसका पैसिव नहीं, इसका पैसिव बनेगा कैसे? हैव थर्ड, हैव थर्ड का पैसिव कैसे बनेगा? हैव बीन थर्ड। और इसका पैसिव कैसे बनेगा बेटा? इसका पैसिव हैव टू फर्स्ट का हैव टू बी थर्ड, राइट? हैव टू बी थर्ड। सिर्फ मैं रूल पढ़ा, एग्जाम्पल नहीं बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पर। Did you get it now? Yes, sir. And they were the models. And I have told you models in a separate video. मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसमें मैंने पूरे मॉडल्स को पढ़ाया है। एक वीडियो मैंने टेंसेस के लिए बनाया, उसमें सारे टेंसेस को पढ़ाया है। और ये वाला जो है किसके लिए है? ये वाला जो है एक्टिव पैसिव, मैंने पहले इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी। और ये वाली वीडियो में क्या है? एक्टिव पैसिव है किसका? पूरे मॉडल्स का एक्टिव पैसिव है, ठीक है ना? And this is examples. बताओ मैं हिंदी लिखूंगा, आप उसको जो है तरीके से कन्वर्ट करना है, इट्स योर प्रैक्टिस।
वह यहां आ सकता है बेटा, इसका एक्टिव और पैसिव दोनों बनाना है। अच्छा कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस लिखूंगा जिनका सिर्फ एक्टिव बनेगा पैसिव नहीं बनेगा। अच्छा दूसरा तुम उन्हें बता सकते हो एक्टिव एंड पैसिव। वह मुझे शायद इग्नोर कर सकती है एक्टिव पैसिव। फोर हम उन्हें हरा सकते थे एक्टिव पैसिव। फिफ्थ उसे वापस जाना चाहिए सिक्स तुम्हें उसको इनवाइट करना चाहिए था एक्टिव पैसिव। यहां पे भी एक्टिव पैसिव। सेवन वह मुझे हेल्प किया करता था